प्रयागराज गैंगस्टर आतिक अहमद अश्रफ हत्यपै विचारणकु योगी सरकार मुग्गुरु सभ्युल जुडिशियल कमिशन नियमिंचिंदि. హత్య ఘటనపై కమిషన్ అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తోందని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది. అటు కమిషన్ తన నివేదికను 2 నెలల్లో ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని ఆదేశించింది యోగి సర్కార్. గ్యాంగ్స్టర్ అతీక్ అహ్మద్ హత్యపై బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ స్పందించారు. క్రిమినల్స్ ను చంపడం ఎప్పటికీ పరిష్కారం కాదన్న నితీష్ న్యాయం అందించేందుకు కోర్టులున్నాయని అన్నారు. आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना. आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया. ये बहुत दुखद है. इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए. ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना. हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना. तो हुआ ही है खराब. अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो. अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी. फांसी हो जाती है, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? तो कभी नहीं होना चाहिए. इसके लिए सब संविधान क्या बना?